Hello dear friends, welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with the new series of modern Indian history, and this is the first video lecture from the first topic of modern history, that is advent of Europeans, in which we will discuss the Portuguese. I have already uploaded an introductory lecture on modern Indian history, which is so much essential to have a basic idea about modern history. So I suggest everyone to watch an introductory lecture which I have uploaded before going through this first lecture. Okay, so let's start with the discussion on the Portuguese. So the Portuguese ko shuru karne se pehle main aapko ye kuch ek basic idea de dunga, jaise ki main hamesha karta hu. To main aapko sabse pehle ye batana chahta hu ki Europe mein kya halaat the. Europe mein industrial revolution ho chuka tha. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के कारण वहाँ दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी. एक था रॉ मटेरियल और दूसरा था मार्केट. अब ये दोनों चीज़ों की जब ज़रूरत पड़ रही थी यूरोप में, तब नए नए एरियाज एक्सप्लोर करना शुरू हुआ. तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो बिजनेस होता ट्रेड होता था वो एशिया से होता था. एशिया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था, और एशिया में उस वक्त ट्रेड करना इसीलिए मुश्किल जा रहा था क्योंकि जो ट्रेड चल रहा था एशिया में वो लैंड के रास्ते से चल रहा था, और लैंड के जितने भी रास्ते थे वो अरब ट्रेडर्स जो थे वो वहाँ पे डोमिनेट करते थे एशिया में. और इटली में, इटली जो था यानी इटालियन लोग जो थे ये यूरोप में डोमिनेट करते थे. तो दो जगह यानी यूरोप में इटालियंस और एशिया में अरब, इस तरह से यहाँ पे व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के साथ चलाया जा रहा था. ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के साथ चल रहा था. सो अरब लोग यहाँ पे क्या करते थे, तो अरब लोग एशिया से, समझ जाइए एशिया, और यहाँ पे है यूरोप. अगर फॉर एग्जांपल एशिया से ये लोग कुछ भी जो गुड्स होते थे उसको या फिर रॉ मटेरियल को यूरोप में पहुँचाते थे और बहुत सारा प्रॉफिट बनाते थे थ्रू लैंड रूट. अब हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड होने के कारण यूरोपियन लोगों को ये बहुत महंगे में बेचा जाता था, एशिया से काफ़ी सस्ते में खरीदा जाता था. और नॉर्मली इंडिया जैसे जो कंट्रीज थे वहाँ से ये कॉटन और इस तरह के रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा ले जाते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाते थे. अब कोई भी नॉर्मली ये सोचेगा, जैसा यूरोपियन लोगों ने ये सोचा कि ये लोग इतने दूर से लाते और हमें बेचते हैं फिर भी इतना प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कितना पैसा, कितना सस्ते में खरीदते होंगे, क्या प्रॉफिट बनाते हैं ये लोग, उससे अच्छा अगर हम डायरेक्टली ही एशिया से खरीदना शुरू कर दें तो कैसा होगा. सो ये बहुत अच्छा एक आइडिया होगा कि आप डायरेक्टली एशिया से खरीदिए और पूरा प्रॉफिट आपका. अब उनके दिमाग में जैसे ये ख्याल आया वैसे क्या हुआ ये देखते हैं. तब 15th century की बात है. 15th century में ये चीज़ें जो है, ये आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आगे की, सिर्फ बेसिक आइडिया लेना है ताकि आपको समझे. बाकी ये चीज़ें हमारे हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा कुछ एसेंशियल नहीं है, कुछ भी एसेंशियल नहीं है. अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ईयर 1453 15th century की बात है जब उन्होंने ये ख्याल दिमाग में लाया. तो 15th century में, ईयर 1453 में, जो ऑटोमन टर्क्स थे उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया, जो कि इस्तांबुल. आप कभी भी याद रखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपका मैप बुक ओपन होने चाहिए और मैप बुक में आपको तुरंत तुरंत ये चीज़ें यहाँ पे मार्क करते हुए चलनी चाहिए. वीडियो पॉज कीजिए, मार्क कीजिए, देखिए कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल कहाँ पे. ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल दैट इज इस्तांबुल को जीत लिया. जीतने के बाद जो टर्क्स थे उनके हाथ में पूरे लैंड रूट्स आ गए. अब जितने भी लैंड रूट्स पास हो रहे थे इस एम्पायर से वो पूरे के पूरे टर्क्स के पास आ गए. टर्क लोगों के पास आने के कारण यही रीज़न था कि अब यूरोपियन लोगों ने सोचा अब तो ये टर्क के पास चला गया है तो अब हम व्यापार नहीं कर, जमीन के रास्ते अब हमको कुछ नया ढूंढने की ज़रूरत है. और उन्होंने नए ट्रेड रूट्स ढूंढना शुरू किया जो कि समुंदर से जाते थे. अब इंडिया में, अब अगर हम मैप देखें तो मैप में आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि देखिए, अगर ये यूरोप है, यहाँ से आप व्यापार करना चाह रहे हैं, यहाँ से यूरोप से अगर आप इंडिया में अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी ये लैंड के रूट्स है ये पूरे ओटोमन एम्पायर के पास जा चुके हैं. सो ओटोमन एम्पायर ये ले चुका है तो आप अभी लैंड से नहीं जा सकते, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कोई ऐसा रास्ता जो आपको डायरेक्टली समुंदर के थ्रू इंडिया में पहुँचाए. सो यही रास्ते की तलाश करना यहाँ पे यूरोपियन लोगों ने शुरू किया. ओके, सो ये एक बेसिक आइडिया है जो आपको पता होना चाहिए कि ये लोग क्यों आ रहे थे. अब सी रूट्स ढूंढना जब शुरू किया गया तो सबसे पहले जिन्होंने इनिशिएटिव लिया वो था स्पेन और पोर्चुगल. उसके बाद
बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरी, पहले लोग समुंदर से ट्रैवल करने को बहुत ज्यादा डरते थे क्योंकि पता नहीं था, ऐसा लगता था कि जो अर्थ है वो स्क्वायर है ऐसे कहीं कहा जाता था, तो आप सीधा सीधा जाओगे तो नीचे गिर जाओगे, अर्थ राउंड जो भी अर्थ का शेप है ये शेप में अर्थ है ये पता नहीं था कि आप कहीं से भी शुरू करो आप उसी पॉइंट पे आओगे, इसीलिए लोग डरते थे। ऊपर से आपको मैप नहीं पता थे, आप अगर जाओगे तो उस रास्ते से वापिस आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब मुश्किल होने के कारण कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, रिनेसेंस का टाइम आया, तब ये समझा कि अर्थ जो है ये स्क्वायर नहीं है, तो आप गिरोगे नहीं, आप डायरेक्टली जाते रहोगे तो आप जा सकते हो। मैप मेकिंग की टेक्निक्स हमको पता चली, नेविगेशन कैसा करना ये पता चला, इस तरह की कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई जिसके कारण ये पॉसिबल हुआ कि आप सी रूट्स ढूंढ सकते थे। अब आते हैं सबसे पहले कुछ फैक्ट्स पे। फैक्ट्स अगर देखना है तो यहाँ पे कुछ नाम, बार्तोलोमियो डायस थे जो फर्स्ट पुर्तुगीज थे जिन्होंने सदर्न पॉइंट जो है अफ्रीका वो सबसे पहले वहां पहुंचे थे, और उस पॉइंट को नाम दिया गया था केप ऑफ गुड होप। इसके बाद यहाँ वास्को द गामा भी पहुंचे थे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेगा। बार्तोलोमियो डायस जो सबसे पहले इंसान थे जो सदर्न पॉइंट पे पहुंचे अफ्रीका के, उसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। हालांकि केप ऑफ गुड होप जो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट नहीं है अफ्रीका का, वो कोई और है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वो कौन सा पॉइंट जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। So, ये एक सदर्न पॉइंट पे पहुंचते जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप और इंसान का नाम है बार्तोलोमियो डायस, सॉरी डायस। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उसके बाद 1492 में स्पेन से, यानी ये जो निकले तो पोर्तुगल से निकले थे, ये पोर्तुगीज थे, और उसके बाद 1492 में निकले कोलंबस जो कि निकले स्पेन से, वो इंडिया ढूंढने निकले बट बाय मिस्टेक वो अमेरिका पहुंच गए। वो निकले थे ईस्ट ढूंढने बट वो पहुंच गए वेस्ट में, यहाँ पे आप देखोगे तो वो इस साइड चले गए, उनको आना था इधर, सो यहाँ चले गए और यहाँ पहुंच गए वो अमेरिका में। यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने कोई नया एरिया इन्वेंट कर लिया, चलो ठीक है वो इन्वेंट कर लिया, और उसी रास्ते से फिर बाद में आगे अमेरिको वेस्ट पुसी जो है इटली के, वो उसी रास्ते से गए और वो पहुंचे उसी जगह जहाँ कोलंबस पहुंचे थे, और इस जगह को नाम दिया गया अमेरिका। तो ये पहुंचने के बाद अमेरिको के नाम पे ही अमेरिका ये नाम दिया गया है, ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद 1498 की बात है जो वास्को द गामा ने फाइनली ट्रेड रूट, सी रूट ये इन्वेंट कर लिया, वास्को द गामा अगर यूरोप से निकलते हैं तो वो सबसे पहले पहुंचते हैं केप ऑफ गुड होप में। अब यहाँ से पहुंचने के बाद वो यहाँ से इंडिया की तरफ आते हैं और वो पहुंचते हैं कैलिकट नाम की जगह पे वो पहुंचे। ये है केप ऑफ गुड होप, ये है सदर्न पॉइंट अफ्रीका का। ओके, सो ये भी एक फैक्ट आपको पता चल चुका है, 1498 में वास्को द गामा डिस्कवर्ड इंडिया थ्रू सी रूट्स। उसके बाद अगला जो पॉइंट है ये है 1519 में फर्डिनैंड मैगेलन जो थे ये पहले इंसान थे जिन्होंने सर्कम नेविगेशन शुरू किया था अर्थ का, यानी वो अर्थ का पूरा चक्कर काटना चाहते थे। वो कह रहे थे कि मैं जिस पॉइंट से शुरू किया हूँ उसी पॉइंट पर रिटर्न आऊँगा और मैं अर्थ का एक नेविगेशन कम्प्लीट करूँगा, पूरा अर्थ को एक चक्कर लगाऊंगा। सो इसी चीज़ के चलते वो वहाँ पे निकले, हालांकि ये बात उनकी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि वहीं पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके कारण वो नहीं बच पाए, उन पे अटैक हुए और वो नहीं बच पाए। बट उनके साथ जो थे, उनके जो असिस्ट कर रहे थे जो उनके साथ, उन्होंने ये काम पूरा किया। ओके, सो इस तरह से ये सब फैक्ट है जो हमारे आजू बाजू जो वर्ल्ड है उसमें ये सब चल। उसके बाद मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा अफ्रीका, इन लोगों को अफ्रीका मिल चुका था, एशिया मिलने के पहले भी आप कह सकते हैं, तो ये लोग अफ्रीका में तो पहले ही पहुंच चुके थे। अफ्रीका को इन्होंने डिस्कवर कर लिया था, ये जो अफ्रीका था यहाँ पे ये लोग ट्रेड अपना शुरू कर दिए थे, और अफ्रीका में जो ट्रेड होता था ये ट्रेड जो है ये मिड 15th सेंचुरी में होता था, यानी 1450s के आगे का जो भी टाइम है या उसके बीच का जो टाइम है उसमें ये सब चलता था। और ये लोग यहाँ से क्या व्यापार करते थे, यहाँ से ये लोग गोल्ड, आइवरी और स्लेव्स, इनका व्यापार करते थे, इनका ट्रेडिंग करते थे। गोल्ड बहुत ज़्यादा मिलता था अफ्रीका में, सो अफ्रीका में गोल्ड का व्यापार किया जाता था। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ, आइवरी यानी हाथी का दांत कहते हैं उसका व्यापार करते थे, स्लेव्स यानी गुलाम, इंसानों को गुलाम बना के ले जाते थे और उनका व्यापार करते थे। तो ये भी आपको मैं चीज़ बता दूँ कि यहाँ ट्रायंगुलर ट्रेड दिया है, ट्रायंगुलर ट्रेड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ट्रायंगुलर ट्रेड क्या होता है मैं आपको आइडिया दे देता हूं। देखिए, ट्रायंगुलर ट्रेड इनका चल रहा था इस तरह से, ये
ये और ये, ये ऐसा उनका ट्रायंगुलर ट्रेड चल रहा था। यूरोप से ये लोग अफ्रीका में जाते थे, अफ्रीका में यूरोप से उन्होंने जो भी फिनिश्ड गुड्स है वो लेके, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है बहुत सारे, इंडस्ट्रीज में फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज में कॉटन बनेगा तो अफ्रीका से वो लोग जो इंडस्ट्रीज में क्लॉथ बनेगा कॉटन का, और कॉटन ये रॉ मटेरियल होगा। सो यूरोप से ये फिनिश्ड गुड्स लेके जाते थे जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो चुका है, अफ्रीका में वो चीज़ों को छोड़ देते थे। अफ्रीका से ये दो तीन चीज़ें लेके जाते थे, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो चीज़ें है आइवरी, वो चीजें में आता है आइवरी, गोल्ड एंड स्लेव्स, ये तीन चीजें अफ्रीका से उठाते थे। कभी भी इनका शिप खाली नहीं जाता था, ये शिप आया, ये तीन चीजें ले लिया, यहाँ पे फिनिश गुड छोड़ दिए, शिप खाली होने के बाद उसमें ये तीन चीजें डाल दी, यहाँ से अमेरिका पहुंच। सो अब यहाँ से जो शिप है, यहाँ पे हुआ करता था, ये तीन चीजें यहाँ पे पाई जाती थी अफ्रीका में, यहाँ उन्होंने बना के रखे थे प्लांटेशंस। अब यहाँ जो प्लांटेशंस थे, ये प्लांटेशन पे आप देखते हैं कि प्लांटेशन से मिलता है रॉ मटेरियल। अब प्लांटेशन बना के रखा है अमेरिका में, अमेरिका में बनता है रॉ मटेरियल। यहाँ पे ये तीन चीज़ें खाली कर देंगे, जैसे यहाँ स्लेव्स को छोड़ दिया, स्लेव्स को छोड़ने के बाद यहाँ स्लेव्स को काम करने के लिए लगा दिया प्लांटेशन पे, वो प्लांटेशन पे काम करने लगे, फिर यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल था स्लेव्स के जगह पे वो डाल दिया शिप में, और शिप में यहाँ से वो पहुँचा दिया यूरोप में। इस तरह से ये प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाते थे, जो कि पूरा एक तरह से ट्रायंगुलर ट्रेड कहा जाता है। तो ये ट्रायंगल में काम करते थे, ये ट्रायंगुलर ट्रेड है जो अफ्रीका के साथ इन्होंने किया। तो इनका शिप कभी खाली नहीं जाते थे यूरोपियन लोगों के, इस तरह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाते थे। सो अब मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंस। सबसे पहले आपको सीक्वेंस याद रखना है कि क्या सीक्वेंस था जिसमें इंडिया में ये लोग आए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सीक्वेंस याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे आप पीडीएफ याद रखना बहुत इजी, आपको पीडीएफ जो पीडीएफ फाइल है एंड ऑल, तो आप पीडीएफ याद रख लीजिए। पीडीएफ का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले पोर्तुगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रेंच आए। इंडिया में आने का सीक्वेंस है, सबसे पहले यूरोपियन जो इंडिया में आए थे पोर्तुगीज, और सबसे आखिरी में जो इंडिया से गए थे वो भी थे पोर्तुगीज, सबसे आखिरी में इंडिया में आए वो थे फ्रेंच। इस तरह से ये सीक्वेंस बनता है, तो सबसे पहले पोर्तुगीज आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश यानी ब्रिटिश आते हैं, और फिर आते हैं फ्रेंच। सो अब हम स्टार्ट करेंगे पोर्तुगीज से। तो अभी आपको सब बेसिक आइडिया आ चुकी है चीज़ों की, अब हम फर्स्ट जो टॉपिक है पोर्तुगीज, वहाँ पे हम शुरुआत करेंगे। सो जो पोर्तुगीज है, यहाँ अगर आपको याद रखना है, पोर्तुगीज थे जैसे हमने देखा कि वास्को द गामा 1498 को कैलिकट में पहुंचे। यहाँ पे आपको डेट दी हुई है, अगर डेट याद रखना है तो, काफ़ी यूपीएससी उतने ज़्यादा डेट्स नहीं पूछते, बट बाकी किसी एग्जाम के लिए आपको याद रखना है तो 20 मई 1498 का वक्त है जब वास्को द गामा रिच्ड कैलिकट। वास्को द गामा समुंदर के रास्ते फाइनली कैलिकट में पहुंचे, ये है वास्को द गामा जो इंडिया में आते। इनके नाम पे गोवा में एक शहर भी है वास्को द गामा, ये काफ़ी टाइम तक इंडिया में रहे। जब ये इंडिया में पहुंचते तो जैमोरिन नाम के एक हिंदू किंग थे, उन्होंने इनका स्वागत किया। ये जैमोरिन यानी क्या होता है, जैमोरिन का मीनिंग होता है सी किंग, समुद्र का राजा यानी जैमोरिन। जैमोरिन ने इनको स्वागत किया, स्वागत जब किया गया तो इसीलिए किया गया कि अब तक जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे वो थे अरब लोग, और अरब लोग मुस्लिम्स थे। अभी इनसे थोड़ा सा छुटकारा मिला था जैमोरिन को अभी यहाँ पे, क्योंकि वास्को द गामा आ चुके थे, सो यहाँ थोड़ा सा उनका वेलकम किया गया, काफी खुशी हुई जैमोरिन को भी। उसके बाद 1499 में वास्को द गामा वापस लौटे। जब वो वापस लौटे तो वहां पे उनको, आप अगर देखोगे तो उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ मुनाफा कमाया था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। वो जितना भी प्रॉफिट यहाँ पे वहाँ पे कुछ बेच के करते थे, जो भी व्यापार करते थे उससे कमाते थे, उससे ज़्यादा यहाँ इंटू सिक्सटी आप उसको कर लीजिए, इतना उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। यानी अगर आप इसको सिंपली देखेंगे तो 60% ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे इंडिया से उनको हुआ। तो उनको लगा कि इंडिया में मैं इतना दूर आ रहा हूँ फिर भी 60% प्रॉफिट ज़्यादा मुझे हो रहा है, तो मुझे आने जाने का सब खर्चा निकाल के भी बहुत प्रॉफिट इंडिया दे रहा है, तो क्यों ना मैं इंडिया में ही ये चीज़ें शुरू कर दूँ व्यापार करना। इस तरह का उनको ख्याल आया, ये रिटर्न हुए, उन्होंने अपने कुछ दोस्त थे पेड्रो अल्वेर्स कैब्राल करके, जो है ये मुझे पोर्चुगीज बहुत अच्छे से प्रोनाउंस कर दे नहीं आती है, पेड्रो अल्वेर्स कैब्राल जो थे ये इंडिया में आते हैं 1500 में, क्योंकि वास्को द गामा जब इंडिया में आए तो उन्होंने पेड्रो अल्वेर्स जो थे इनको यहाँ पे कहा। पेड्रो अल्वेर्स ने ब्राज़ील जो है उसको डिस्कवर किया था, जिस तरह वास्को द गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया था। पेड्रो अल्वेर्स जो थे ये इनको वो बताते, उनके फ्रेंड थे, कि देखिए इंडिया में आई है, इंडिया बहुत खूबसूरत जगह है, और पेड्रो अल्वेर्स इंडिया में आए 1500 में।
1500 में आए और 1502 में वास्को द गामा फिर से इंडिया में आते हैं। इस वक्त वो ज्यादा शिप्स लेके आए थे क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉफिट था, तो ज्यादा अभी वो सामान जितना अभी गुड्स है वो ज्यादा लेके जाएंगे, रॉ मटेरियल ज्यादा लेके जाएंगे, इसलिए वो वापस आते हैं। वापस आने के बाद उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए, कैलीकट में बनाए, कोची में बनाए, कैनोर में बनाए। इतने जितनी भी चीजों का मैं नाम ले रहा हूँ ये चीजें आप अपने मैप बुक पे देखते रहिए। गोवा के पहले कोची जो था ये कैपिटल हुआ करता था पोर्तुगीज लोगों का, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे गोवा हुआ, तो पहले पोर्तुगीज का कैपिटल कोची हुआ करता था। तो सबसे पहले जो पहुंचे थे वास्को द गामा ये कैलीकट में पहुंचे थे, बट कोची को यहाँ पे पोर्तुगीज लोगों ने अपना कैपिटल बनाया था। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नर्स की। जो पोर्तुगीज के गवर्नर्स आए थे उसमें सबसे पहले फ्रांसिस्को दे अल्मेडा आए। 1505 में फ्रांसिस्को दे अल्मेडा इंडिया में आते हैं और ये पोर्तुगीज गवर्नर पहले बनते हैं। गवर्नर बनना शुरू हुआ यानी इन्होंने कंट्री को गवर्न करना शुरू कर दिया था। काफ़ी सारे जगह पे इन्होंने अपना सेटलमेंट कर लिया था, ये लोग रह रहे थे, ये गवर्न कर रहे थे और पहले पोर्तुगीज गवर्नर बनते हैं फ्रांसिस्को दे अल्मेडा 1505 में। 1509 में उन्होंने इजिप्ट, टर्की और गुजरात, ये इन्होंने तीनों ने अलायंस बनाया था ताकि पोर्तुगीज को हरा दे, क्योंकि पोर्तुगीज ने अभी पूरा डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दिया था इंडिया में। पोर्तुगीज अपने मन से ही यहाँ राज करते थे, अपने ही मन से रूल करते थे जो उनको लगता है। इंडियन जो रूलर्स थे उनको वो सुनते नहीं थे, यहाँ पे उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था, गवर्नर्स को ला लिया था। इसीलिए इजिप्ट को भी प्रॉब्लम जा रहा था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो लैंड रूट थे वो काफ़ी सारे इजिप्ट के पास थे। इजिप्ट के पास होने के कारण क्या हो रहा था कि इजिप्ट पहले यहाँ से प्रॉफिट बनाता था, क्योंकि कोई भी जब जाता था यहाँ से ट्रेड करके सो उसको यहाँ से पास होना पड़ता था यूरोप से, यानी इस तरह से वो ट्रेड अगर करेगा तो यहाँ अगर इजिप्ट आ रहा है तो इजिप्ट यहाँ से कुछ आपको आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगाएगा और वो चार्जेस यहाँ पे बनते थे, तो उसका ये सब बंद हो गया। उसके बाद अगर देखोगे तो इंडियन लोगों को तो प्रॉब्लम जा ही रही थी इन लोगों के कारण, बट मेन चीज यहाँ पे ये आ रही थी कि टर्की जो थे, टर्की लोगों को भी बहुत ज्यादा मुनाफा था, प्रॉफिट था, वो भी कम हो गया क्योंकि ये लोग डायरेक्ट सी के रास्ते से आते थे। इन तीनों ने यहाँ पे बना ली अलायंस और इन्होंने कोशिश की कि हम हराएंगे पोर्तुगीज को, बट पोर्तुगीज को फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने इन तीनों को दीव के पास हरा दिया। अब यहाँ होने के बाद पोर्तुगीज का रूल जो था ये और पावरफुल बन गया था, क्योंकि अभी अलायंस हार चुका था। उसके बाद सेकेंड जो गवर्नर जनरल आए वो थे अल्फांसो डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को अभी हम स्टडी करते हैं। सो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे वो 1509 में आए थे। उन्होंने आते बराबर ही अगर आप देखोगे तो 1510 की बात है, उन्होंने आदिल शाह जो है बीजापुर, जिनके पास गोवा हुआ करता था, उनको उन्होंने हराया और हराने के कारण उनके पास गोवा आ गया एंड ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम आदिल शाह। सो गोवा मिल गया था 1510 में। उसके बाद इन्होंने यहाँ कार्टेज सिस्टम लाया था। कार्टेज सिस्टम क्या होता है आपको बता देता हूँ कि इन्होंने क्या किया कि कस्टम स्टेशंस बना लिए इंडियन ओशन में। जो इंडियन ओशन आता है इंडिया के नीचे, यहाँ पे आप देखोगे ये इंडियन ओशन है, यहाँ पे इन्होंने कस्टम स्टेशंस बना दिए ये पूरे जगह पे, यानी यहाँ से जो भी व्यापार करेगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कस्टम स्टेशंस बने हुए हैं, यहाँ से जो भी जाएगा इस रूट के थ्रू उसको कस्टम से होते हुए जाना पड़ता था। इस तरह पे उनको लोगों को क्या करना पड़ता था, तो लोगों को वहाँ पे कुछ टैक्स कुछ चार्जेस भरना पड़ता था और जिसके कारण ये लोगों को फिर से प्रॉफिट हो जाता था। ये एक डॉक्यूमेंट था जो आपको प्रोटेक्शन मिलता था, यानी आप ये जो कार्टेज सिस्टम ऐसा है कि आप वहाँ पे जो भी चार्जेस है वो वहाँ पे करते हो, आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, वो आप दिखा दोगे तो एशियन शिप्स आराम से यहाँ पोर्तुगीज अटैक से बच जाएगी। सो ये लोग पे करते हैं तो इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे पोर्तुगीज। इस तरह से इन्होंने एक पॉलिसी लाई थी और वो थे अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट गवर्नर बनते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया, ये है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ओके, सो यहाँ पे और कुछ चीज़ें देखते हैं। तो कार्टेज सिस्टम मैं आपको बता चुका हूँ, अब ये क्या होता है आपको बता दिया। अभी इनका जो स्कीम थी अल्फांसो दी अल्बुकर्क की, वो थ्री फोल्ड स्कीम थी, जिसमें सबसे पहले उनका एक टारगेट था कि कॉम्बैटिंग इस्लाम, स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी, यानी इस्लाम को ख़त्म करके हमको क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना है, जितने भी स्पाइसेस के ट्रेड है वो पूरे सिक्योर करना है, और तीसरी चीज़ ऐसी है कि यानी मसालों का जो भी व्यापार है वो ज़्यादा करेंगे और पोर्तुगीज एम्पायर एस्टेब्लिश करना है। ये तीन चीज़ों की एक स्कीम लेके आए थे अल्फांसो दी अल्बुकर्क, और ये करना उनको शुरू करना था। तो इसीलिए उन्होंने मुस्लिम्स जो थे उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करना शुरू किया, उनको परसिक्यूट करना शुरू किया। परसिक्यूट करने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ की जो वुमेन होती है, लोकल वुमेन, उनसे शादी कीजिए, ऐसे वो पोर्चुगीज लोगों को कहते हैं, और या फिर जो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं उनको कहते हैं, ताकि क्रिश्चियनिटी और बढ़ जाए।
ये चीज उन्होंने की उनको, तो इस कारण लोग काफी नाराज थे पोर्तुगीज पे इस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने इस तरह के कुछ काम शुरू कर दिए थे। उनको कुछ टाइटल्स भी मिले थे जिस तरह उनको मिलिट्री जीनियस कहा जाता है। यही चीज ये दर्शाती है कि वो बहुत ही एक मिलिट्री में बहुत ज्यादा एक सोच वाले थे कि मिलिट्री बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए। उसके साथ साथ सीज ऑफ ईस्ट कहते हैं क्योंकि ईस्ट को इन्होंने रोक दिया था। इनको लायन ऑफ सीज भी कहा जाता है, समुंदर के ये एक तरह से आप देखेंगे तो लायन थे, यानी समुंदर पे राज करते थे। कार्टेस सिस्टम बनाया था ये, इनको द पोर्तुगीज कहा जाता है, इनको द ग्रेट टेरिबल भी कहा जाता है, बहुत बड़े टेरिबल थे। इनको ड्यूक ऑफ गोवा भी कहा जाता है क्योंकि ड्यूक थे, गोवा के ड्यूक भी इनको कहा जाता है। इस तरह से इन्होंने काफी सारे टाइटल लिए और ये बनते हैं अगले गवर्नर जिनका नाम है अल्फांसो दे अल्बुकर्क। उसके बाद आपको बता दूं नेक्स्ट जो गवर्नर आते हैं वो है नीनो दा कुन्हा जो है वो गवर्नर बने 1529 में। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है इनको जानना क्योंकि इनके वक्त जो कोची में पहले जो हेडक्वार्टर हुआ करता था, जो कैपिटल हुआ करता था, वो शिफ्ट हो गया गोवा में। गोवा को कैप्चर करने वाले जो गवर्नर थे वो ये थे, बट ये जो नीनो दा कुन्हा है इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया था कोची से गोवा में। उसके बाद उन्होंने बैक्सी, जिसका नाम बैसी कर दिया गया, उसको आज वसई नाम से जाना जाता है, ये जो एरिया था ये भी उन्होंने कैप्चर कर लिए। सो ये दो एरिया और कैप्चर कर लिए। मुस्लिम रूलर थे गुजरात के बहादुर शाह के पास ये दो एरिया हुआ करते थे, उनसे ये दो एरिया कैप्चर कर लिए गए और पोर्चुगीज का एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया नीनो दा कुन्हा ने। सो यहां पे आप देखोगे तो इंडिया में अगर ये गोवा जो है, गोवा में यहाँ से आओगे आप तो ये पूरी जो कोस्ट लगी हुई है, ये पूरी कोस्ट एक तरह से पुर्तगीज जीतना चाहते थे, तो ये केरला से जब भी शुरू करते थे ये पूरा ऊपर तक जीतते हुए आ रहे थे। तो इस तरह से इनको बैक्सी और बैक्सी भी मिल गया जिसको बैसी कहा जाता है। ओके, तो बैक्सी को कैप्चर करते हैं, उनका नाम बैसी करते हैं और आज वो वसई नाम से जाना जाता है। तो किससे कैप्चर किया था इन्होंने, गुजरात के जो बहादुर शाह है उनसे इन्होंने कैप्चर किया था उसको। सो ये एक इंपॉर्टेंस बनता है नीनो दा कुन्हा का। उसके बाद अगले जो आते हैं वो मार्टिन अल्फांसो। सो अल्फांसो साहब जो थे ये 1542 में गवर्नर बन गए पोर्तुगीज के। तो यहाँ एक चीज आपको याद रखने की, सेंट फ्रांसिस्को जेवियर, यानी यहाँ से फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी गोवा में आना शुरू हुआ और जो फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी लेके आए थे वो थे सेंट फ्रांसिस्को जेवियर। ये सेंट थे जिन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी लाई। मिशनरी का काम था कि जो बाकी का जो रिलीजन के लोग हैं उनको क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट कराना। इस तरह से फर्स्ट मिशनरी गोवा में आती है मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के वक्त और गोवा में आई थी। ये एक फैक्ट जो आपको याद रखना है। सेंट फ्रांसिस्को जेवियर गोवा में आते हैं और यहाँ पे गोवा में आने के बाद आप देखोगे कि लेके आते हैं मार्टिन अल्फांसो डिसूजा और उनकी जब डेथ हो गई तो सेंट फ्रांसिस्को जेवियर जो थे, सॉरी डिसूजा ने जेवियर, उनके सेंट जेवियर नाम से काफी सारे कॉलेजेस स्कूल्स भी होती है, सेंट फ्रांसिस्को जेवियर्स के जो भी अवशेष है, जो भी रिलिक्स है, वो आज भी गोवा के एक सिल्वर कास्केट में रखे हुए हैं। एक चर्च है वहाँ पे जिसका नाम है बॉम जीसस बेसिलिका, इस चर्च में आज भी रखा है उनकी बॉडी, आप देख सकते हैं। सो ये बॉडी को आप देखोगे तो बीच बीच में इसको नीचे भी लाया जाता है ग्राउंड लेवल पे, उसको थोड़ा सा ऊपर रखा गया उस चर्च में। आप कभी गोवा गए, साउथ गोवा में, आप देखेंगे बॉम जीसस बेसिलिका नाम का चर्च, हर 10 साल बाद उसको नीचे लाया जाता है। बॉम का मतलब होता है होली जीसस। चर्च जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्लियर कर दिया गया है। बॉम जीसस बेसिलिका इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को। ये एक और इंपॉर्टेंस है पोर्तुगीज का जो पहली बार क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया में लेके आते हैं। क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने में सबसे आगे पोर्तुगीज ही रहे हैं। उसके बाद इनके सेटलमेंट्स देखते हैं इंडिया में किस तरह से थे। तो सेटलमेंट्स सबसे पहले देखते हैं वेस्ट कोस्ट में। ये चीजें आपको मैप पे मार्क करनी है। वेस्ट कोस्ट में कोची, गोवा, दीव, दमन, चौल और साष्टी नाम की जगह है, यहाँ पे ये लोग अपना सेटलमेंट करते थे। ईस्ट पे इनका जो सेटलमेंट हुआ था, यानी वेस्ट और ईस्ट कोस्ट, ये जो कोस्ट है ये कोस्ट है ईस्ट कोस्ट और ये जो कोस्ट है ये है वेस्ट कोस्ट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया के ये दो पार्ट, सो आप ये जान सकते हैं कि यहाँ सेंट थोम करके है मद्रास में। अगर हम ईस्ट कोस्ट पे आते हैं तो सेंट थोम, मद्रास, हुगली, चित्तगांव, ये जितने भी हैं ये बंगाल के रीजन है, ये भी इनके यहाँ पे इन्होंने सेटलमेंट किए थे। इस तरह से काफी सारे इंडिया के रीजन्स में ये लोग रहे और धीरे धीरे इनका डिक्लाइन शुरू हुआ। इनका डिक्लाइन किस तरह से हुआ ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। अब देखिए, जब तक ये अकेले यूरोपियन थे तब तक ठीक है, बट जब बाकी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आने लगी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और एक और चीज़, 1631 में कासिम खान थे जो मुगल थे, उन्होंने हुगली कैप्चर कर लिया। इनके पास हुगली था, इनके हाथ से हुगली निकल गया। 1661 में बॉम्बे जो इनके पास बॉम्बे भी था। बॉम्बे उस वक्त किसी काम का नहीं था। कैन यू इमेजिन, बॉम्बे किसी काम का नहीं था। आज बॉम्बे की हालत आप देख सकते हो, इट इज़ अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, बट उस वक्त कोई बहुत ज़्यादा कोई काम का नहीं था। तो यहाँ पे
इन लोगों ने, प्रिंस चार्ल्स जो थे उन्होंने यहाँ पे एक प्रिंसेस थी जो वहाँ के किंग थे, उनकी बेटी थी, सॉरी डॉटर थी उनकी, डॉटर नहीं सॉरी सिस्टर थी, बहन थी वहाँ के जो किंग थे पोर्तुगीज किंग उनकी, प्रिंस कैथरीन, प्रिंस कैथरीन से शादी की थी प्रिंस चार्ल्स में, और उनको एज अ डाउरी बॉम्बे दे दिया गया था। सो बॉम्बे एज अ डाउरी मिला था 1661 में ब्रिटिश को, तो इनके हाथ से बॉम्बे भी चले गया। 1739 में मराठा ने इनके ऊपर अटैक किया और साष्टी और वसई भी इनसे ले लिया। एज अ रिजल्ट जो ये रिजल्ट हुआ वो ऐसा था कि जो पोर्तुगीज थे उनके पास गोवा दमन दीव ही रहा 1961 तक, और वो उसी एरिया तक सीमित रह गए। इस तरह से उनके डिक्लाइन की शुरुआत हुई थी। बट मेन चीज है कि रीजंस क्या थे जो इनका डिक्लाइन हुआ। रीजंस ऐसे थे कि इंडिया में ही खुद अलग अलग डायनेस्टीज आने लगी, जैसे कि मराठा वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज, सो मराठा आने लगे, मराठा लोगों ने इन पे अटैक किए, तो इस तरह से अलग अलग डायनेस्टी इंडिया में आने लगी जो जिनको ये संभाल नहीं पाए आगे। पहले जो थे उनको तो ये संभाल पा रहे थे, पर बाद में जो आ रहे थे उनको ये संभाल नहीं पाए। मराठा ने सैलसेट और वैसी वसई जो है या बैसी जो है उसको कैप्चर कर लिया 1739 में, इनके हाथ से ये एरिया निकल गया। इनकी रिलीजियस पॉलिसी में ये कन्वर्ट करते थे लोगों को क्रिश्चियनिटी में। कन्वर्जन जो होता था वो ज़बरदस्ती का कन्वर्जन होता था, लोगों को पूछा नहीं जाता था, ज़बरदस्ती कन्वर्ट होने लगाया जाता था, जिसके कारण ये लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। लोगों के मन में इनके लिए काफ़ी सारा गुस्सा भी था। इनकी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस थी ये भी काफ़ी डिसऑनेस्ट थी, जैसे कार्टेज सिस्टम हो गया ये सब। ये लोग इंडिया में रह के इंडिया के जो ट्रेडर्स थे उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जिस कारण उस वक्त कंपनी में काफ़ी सारा करप्शन भी बढ़ रहा था। यहाँ पे पोर्तुगीज लोगों में पैसे के लिए ये लोग काफ़ी सारी चीज़ें गलत करते थे, तो इस तरह से अच्छी ट्रेड प्रैक्टिसेस इनकी नहीं दिखी। इन्होंने फिर डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील को डिस्कवर कर लिया था। किसने किया था मैं आपको बता चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में अभी आप लिखेंगे डिस्कवरी किसने की थी ब्राज़ील की। ब्राज़ील की डिस्कवरी होने के बाद इन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया ब्राज़ील पर, इन्होंने पूरा अपना जितने भी इम्पॉर्टेंस है वो ब्राज़ील को दिया, और इंडिया में इनको जब दिख रहा था कि कंपटीशन ज़्यादा है तो इन्होंने ब्राज़ील में ध्यान देना शुरू किया, जिस कारण ये इंडिया में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। सी रूट जो इन्होंने ढूंढा था, हालांकि ढूंढने वाले ये थे, इस चीज़ का मुझे काफ़ी बुरा लगता है, इन्होंने ढूंढा बट ये सीक्रेट नहीं रहा, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की थी ढूंढने के लिए, सीक्रेट नहीं रहा और ये सबको पता चल गया, तो बाकी यूरोपियंस भी सी रूट से इंडिया में पहुंच गए। और गोवा का इम्पोर्टेंस कुछ था नहीं, गोवा में ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते नहीं है, गोवा टूरिज्म में बहुत आगे आज के डेट में, बट उस टाइम पर कोई इतना टूरिज्म था ही नहीं, ऐसा समझ लीजिए, वो टाइम अलग था। सो गोवा का इंपॉर्टेंस कुछ रहा नहीं और इनके पास गोवा था, तो ये लोगों का डिक्लाइनेशन शुरू हो चुका था और यही सब कारण थे जिसके कारण ये डिक्लाइन हो गए। उसके बाद देखते हैं कि इनका आने का कुछ ना कुछ महत्व तो रहा होगा, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस रहा होगा इंडिया में। तो सिग्निफिकेंस ये था कि नेवल पावर इंडिया में बढ़ गई। अभी ये समझा कि पोर्तुगीज की नेवी बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए सभी लोगों ने अपनी नेवी स्ट्रांग बनाना शुरू किया, नेवी की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये पोर्तुगीज से अच्छा कौन किसको बता सकता है। इन्होंने ड्रिलिंग सिखाई, इन्फेंट्री सिखाया, यानी इन्फेंट्री में ड्रिलिंग क्या होती है, जो मिलिट्री होती है, मिलिट्री में आप सिर्फ आक्रमण बोल के काम नहीं कर सकते, यू नीड सम डिसिप्लिन इन अ मिलिट्री, और डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे ड्रिलिंग इन्होंने शुरू की थी, ड्रिलिंग जो परेड और ये सब होता है ये सब इन्होंने शुरुआत करके दी थी ड्रिलिंग की, तो ये बहुत डिसिप्लिन एक आर्मी बनाई थी जिसके कारण आप अच्छे से अटैक कर सकते हैं, आप ड्रिलिंग अगर करेंगे तो हर तरफ से शत्रु को घेर सकते हैं, तो ये ड्रिलिंग इन्होंने सिखाई थी। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी सिखाया कि समुंदर पे आपने राज करना चाहिए तो अच्छी टेक्निक्स आपको यूज करना चाहिए, सी में भी, जैसे कि इन्होंने काफी सारे डेवलपमेंट किए थे अपने शिप्स में भी, इन्होंने मल्टी डेक शिप्स बनाई थी, इनकी शिप्स जैसे कि एक जिस देखेंगे तो जैसे ये एक डेक हो गया, उसके ऊपर और डेक हो गया, इस तरह से इन्होंने मल्टी डेक शिप्स भी बनाई थी इंडिया में। सो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे इन्वेंट करके दी थी। इन्होंने टोबैको कल्टीवेशन इंडिया में शुरू किया, पोर्तुगीज पहले इंसान थे जिन्होंने टोबैको क्या कल्टीवेशन किया जाता है ये इंडिया को सिखाया, जिससे बाद में बाकी यूरोपियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। उसके बाद 1556 की बात है, इंडिया में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई थी जो कि गोवा में बनाई गई, ये भी पोर्तुगीज लोगों ने बनाई थी। 1556 में फर्स्ट बुक जो है इंडियन मेडिसिन पे ये लिखी गई, ये पब्लिश की गई और उसका नाम है ग्रेशिया द औरता, ग्रेशिया द औरता नाम की एक बुक है जो पब्लिश की गई इंडियन मेडिसिन। इससे इंडियन मेडिसिन का महत्व हम सबको समझने लगा, पूरे वर्ल्ड में इंडियन मेडिसिन को बहुत एक देखेंगे तो एक अच्छी जगह मिल गई, एक इम्पॉर्टेंस समझ गया लोगों को। सो इस तरह से ये पूरा महत्व रहा। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी की पोर्तुगीज़ के इसमें,
हमने यहाँ शुरुआत जो की थी वो बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन कॉमर्स से की, हमने आगे आगे देखा कि फाइंडिंग सी रूट्स किस तरह से ढूंढे गए, हमने कुछ फैक्ट्स देखे, हमने देखा कि एशिया अफ्रीका के साथ किस तरह ट्रेड चला, हमने सीक्वेंस देखा, हमने पोर्तुगीज के बारे में पढ़ा, हमने वास्को द गामा देखा, हमने गवर्नर्स देखे पोर्तुगीज के, उसके साथ साथ हमने सेटलमेंट्स देखे, सेटलमेंट्स के साथ हमने डिक्लाइन कैसे शुरू हुआ और रीजंस क्या थे डिक्लाइन के ये स्टडी किए, उनके आने का महत्व क्या था इंडिया में ये स्टडी किया, इसके साथ साथ हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो है द पोर्तुगीज वाला वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे मेरे यूट्यूब चैनल का, ताकि मेरे वीडियोज़ रेगुलरली आते रहे। आप और अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेजेस को आप लाइक कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं श्रेयस बड़ी पीस लवर, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं shreyasbadiye@gmail.com पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।